गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग मोविन जी, राणा साहब सलाम। तो वालेकुम। दादा की ये हेडर जो है ना, शोले की बसंती है, बट वो तो नाम देते थे, उनसे ही मैंने ये पेट नेम देने सीखे सब रेमेडीज को। सो मेरे लिए हेडर है पैशनेट पीपल, राइट। बटन होलर्स बोलते हैं ना, चिक्कू जो होते हैं, तो बटन होलर्स। तो ये इनके पेट नेम देने से कैसा होता है कि आसानी से याद रहने लगते हैं। वेरी सोशल, दीज पीपल आर वेरी सोशल, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, एंड ये कह सकते हैं कि दे वॉन्ट कंपेनियनशिप, नॉट टू टॉक टू पीपल बट टॉक टू देम। वो एक तरफा होता है, इट इज जस्ट वन साइडेड टॉक, उसके अंदर कोई दूसरा पहलू ही नहीं होता है, सिर्फ वो और वो होते हैं, बिकॉज दे आर सो क्लोजली ऑब्सेस्ड विद देयर ओन प्रॉब्लम्स कि वो सिर्फ मैं, ये हमने सबने पढ़ लिया। लेकिन इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेनोपॉज वुमेन, क्योंकि वो उस कगार पे खड़ी है जहां उसको उसका नेस्ट इज एम्प्टी, बच्चे चले गए हैं, घर के कुछ बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, या सिर्फ वही बच्चे जिनकी सेवा करनी है। इधर शी इज ऑल्सो फिजिकली इल बिकॉज देर इज सो मेनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, सो शी इज जेन्युइनली फिजिकली इल, बट एट द सेम टाइम शी इज सो डिस्ट्रेस, शी इज सो लोनली, और वो बोलते हैं ना कि शी फील्स वर्थलेस, शी इज लेफ्ट आउट, कि मैंने सारी जिंदगी सबका किया बट अब जब मैं तकलीफ में हूं तो मेरे बच्चे भी जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड को तो परवाह ही नहीं है। हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा, वो हमेशा सोचती मेरे हस्बैंड को परवाह नहीं है, बट उसकी अदर साइड देखें तो कैसा होता है, हस्बैंड को लगता है शी सेल्फ सफिशिएंट। जब वो पूरे घर का ध्यान रखती है तो उसके ध्यान की जरूरत ही नहीं है उसका रखने की, बट क्योंकि वो खुद ही इतनी हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस में है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द हाउस, Nobody understands ki what is happening to us because she doesn't understand what is happening to us. अब उस चलते हुए में वो इतनी ज्यादा सेल्फ बोलते ना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि मेरा ध्यान नहीं रखा, ये नहीं किया, उसमें वो इरिटेबल हो जाती है, गुस्से वाली हो जाती है, बड़ 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 चालू हो जाता है, एंड समटाइम्स टू क्रेव दैट अटेंशन फ्रॉम अदर्स, तो वो जो छोटी सी फिजिकल इलनेस होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, एट वन पॉइंट इट बिकम्स लाइक अ कंपल्सिव पैरानोइड थिंग फॉर अदर्स, कि ये उसी के अंदर इतनी घुसी बिकॉज उसको कुछ नहीं चाहिए, शी इज जस्ट क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स, जस्ट अ काइंड लिटिल वर्ड, कि कोई पूछे बार बार कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है, बट वो कोई बोलने वाला नहीं होता है तो वो खुद से इतना बड़बड़ 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 अपनी तकलीफ को कर देती है, लाइक पीपल वो घर वाले थे, हम उनको उनसे दूर भागे वो नहीं चाहिए, सिर्फ कान चाहिए सुनने के लिए, सो बी लिटिल सिंपथेटिक टू देम, उनकी बात सुनिए कि क्यों वो परेशान हो रही है, कि वो एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर रही है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने हमारा ध्यान रखा, लेकिन अब जब उनको जरूरत पड़ रही है तो बी लिटिल सिंपथेटिक, बेंड योर ईयर, तो वो हेडर नहीं बनेंगी, गॉट माई पॉइंट। सो एक एसेंस देने के बाद वो खुद भी शी विल अंडरस्टैंड, शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी रेमेडीज, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी इन इट सेल्फ, शी विल अंडरस्टैंड कि मुझे बड़बड़ नहीं करना है, जो चल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ वाइटल लाइफ फोर्स, ये तो होता ही रहता है, मुझे मेरा वाइटल फोर्स को ठीक करना है, राइट। सो इन शॉर्ट इट इज वेरी इजिली सीन इन द पेट्स, आपने नोट किया होगा घर में कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो जो ओनर होता है दे आर वेरी बिजी विद द गेस्ट, उनसे हंस हंस के बात करना, तो जनरली जानवर जो होता है ना, पेट जो होता है, तो वो क्या करेगा, करेंगे या बात करने चालू कर देंगे, दे आर ट्राइंग टू क्रेव दैट अटेंशन फ्रॉम द ओनर, कि भाई तुम गेस्ट को अटेंशन मत दो, मैं हूं, जो मेरा टाइम है मुझे दो। सो
दिस इज ब्यूटिफुली सीन इन द पेट्स, या फिर ये भी होता है कि मेरे जैसे, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मुझे पेट से बहुत डर लगता था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत लगता है, पर बहुत लगता था। तो मैं किसी के घर जाती थी तो सबसे पहले बोलती थी इसको बंद कर दो, वेरी मीन, दिस इज वेरी मीन ऑन आवर पार्ट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उसी के घर में उसको एक कोने में बंद कर रहे हैं, ओनर बंद कर रहा है क्योंकि कोई और आ गया है। तो अब आप अपने आप को उस पेट की जगह रख के देखिए, यू विल फील सो बैड। तो वो क्या करेगा, दरवाजे पे पंजा मारेगा, भौंकेगा, ऊ ऊ करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, मेरे ही घर में तुमने मुझे बंद कर दिया क्योंकि कोई तीसरा आया है। यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अदर्स, सो दिस इज हेडर। और एक केस हमारे पास बहुत सुंदर केस आया था, और दादा ने, मतलब मेरी इच्छा थी उसमें दो या तीन रेमेडी मिलाने की, उन्होंने बोला था नहीं, एक महीना सिर्फ हैदर दो। आई वाज सो सरप्राइज कि एक हैदर देने से क्या होगा दादा। मैं नई नई थी उस वक्त, सीख रही थी इनसे, नई तो नहीं थी पर अभी भी नई जैसी हूँ, कई बार बहुत मिस्टेक्स कर देती हूँ। उन्होंने बोला जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, सिर्फ हैदर दो। अब मैं वो बताती हूँ केस क्या था, मेरी बेटी की फ्रेंड का केस था। तो वन फाइन डे, मैंने बहुत दिन से देखा कि रिद्धि इज नॉट इवन आस्किंग फॉर दैट फ्रेंड, रिद्धि चार्वी कैसी है, शी डिड नॉट रिप्लाई, बिकॉज उसको पता है अब मम्मी ने खोदना चालू किया है, तो वेरी सटली शी विल कीप आस्किंग। तो बोलते नहीं अब ज्यादा हम बात नहीं करते। तो मैंने ऐसी पूछा, मैंने कहा रिद्धि क्यों नहीं बात करते, मम्मा एवरी टाइम शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, उसका हेयर, उसकी हाइट, मतलब वो ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सर्फ टाइम मैं, हमारी कोई और बात चलती है ग्रुप में वो वापस अपनी बात चालू कर देती है, सारा टाइम उसको अटेंशन चाहिए। तो मैंने कहा इतनी सी बात पे दोस्ती टूट जाती है बेटा, और वो उम्र भी ऐसी थी, बच्चों को हर्ट हो जाता है जल्दी, बट वो हमारा काम है सिखाने का। तो बोलती कि पर सारा टाइम मैं कौन करता है। फिर उसको एक अलग एंगल से समझाया कि एक अकेली बच्ची है वो घर में, राइट, माँ बाप दोनों काम करते हैं, घर में दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है, सो होल डे शी इज ऑल बाय हर सेल्फ, देर इज नो बडी टॉक टू हर। तो वो अपना सारा कहाँ निकालेगी, किससे बात करेगी, फ्रेंड्स के सामने बात करेगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रही है बेटा, इंस्टेड ऑफ शनिंग हर आउट हम उसको और तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी मम्मी से बात करूंगी। आई स्पोक टू हर मदर, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है आपको पता है, बोला हाँ पता है, वो परेशान हो रही है, 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, कि मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, रोती रहती है। तो मैंने उसकी मम्मी का नाम नहीं लूंगी, उनको यही कहा, मैंने कहा एक रेमेडी भेजती हूँ उसको दीजिए, शी विल फील गुड। तो बोले मैं 2 दिन से छुट्टी लेकर बैठी हूँ उसके लिए, ना वो स्कूल जाती है ना मैं ऑफिस जा पा रही हूँ। तो उनको पता नहीं था, भरोसा नहीं था, पर उनको लगा कि चलो जल्दी काम निपट जाएगा। तो मैंने हाथों हाथ दादा को, मुझे मालूम था ये उनका टाइम नहीं था, फिर भी फोन किया, मैंने कहा इमरजेंसी है, एक बच्ची का सवाल है, ये प्रॉब्लम है। तो 1 सेकंड में बोला उन्होंने हैदर दे दो और अब हम शाम को बात करेंगे। मैंने कहा हैदर दे दो, हैदर देने से क्या होगा, एक अकेली रेमेडी दे दो आप मैडम, 1 महीने के लिए हैदर दे दो। मैंने कहा ठीक है, अब कहना तो मानना ही था, तो हैदर दी। 2 हफ्ते में रिद्धि भी खुश थी, उसकी माँ भी खुश थी। तो रिद्धि बोली कि मम्मा आपने क्या किया, वो शी इज बैक इन टू द ग्रुप। मैंने कहा क्यों, अब वो बोलती नहीं अपने बारे में। बोले नहीं बोलती है, बट यू नो शी लिसन्स टू एवरीथिंग और हमारे हमारे साथ अच्छे से बिहेव करती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहली चीज जो रिद्धि ने बोली थी वो दादा ने पकड़ ली थी, कि सारा टाइम अपने 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 बारे में बोलती रहती है, बस उन्होंने वो पकड़ लिया और वो चीज दे दी। तो वो हमेशा यही बोलते कि पहला वर्ड पकड़ो पेशेंट का, दैट इज योर ट्रीटमेंट, दैट इज द कॉज, वो उसकी तकलीफ है। तो पहला वर्ड पकड़ो, मिस मत करो उस चीज को। वो 50ों चीज बोलेगी तो 50 रेमेडी तो दे नहीं सकते, तो जो मेजर कॉज है वो पहली चीज पकड़ो एंड दैट इज योर रेमेडी। सो ऑफ कोर्स देर इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन सेरेटो एंड हेदर। इससे पहले जो मैम थी उन्होंने बताया था कि देखो सेरेटो कह सकता है दे डोंट हैव ट्रस्ट ओवर द डिसीजन, तो वो इतना बोलते हैं
इतना सवाल करते हैं, बोलते नहीं है, वो इतना सवाल करते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। और हेदर क्या होता है, वो इतना अपने बारे में बोलता है कि वो ऐसे इरिटेट कर देता है। सो दिस इज अ हेयरलाइन डिफरेंस। दे आस्क यू सो मच, दे इरिटेट यू, सेरेटो। हियर द हेदर, दे टॉक अबाउट देमसेल्फ सो मच दैट दे इरिटेट यू, राइट? सो दिस इज द माइल्ड डिफरेंस। और इनके लिए क्या होता है, सेरेटो कैसा होता है, इनके दूसरों की दखल अंदाजी करनी होती है, दूसरों की प्रॉब्लम्स में इनको दखल अंदाजी करनी होती है, इंटरेस्ट लेना होता है दूसरों की, पीपल की लाइफ में इंटरेस्ट लेना होता है, उनकी प्रॉब्लम में उनको इंटरेस्ट होता है सिरेटो को। हैदर को ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, उनकी लाइफ में तो सिर्फ वो और उनकी प्रॉब्लम। सो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन सिरेटो एंड हैदर। जैसे बोलते हैं ना, चिकरी होते सेल्फिश होते हैं, हेरेटो सेल्फिश, ये हेदर सेल्फिश नहीं होते, दे वेरी विनेड, वो सिर्फ अपनी अपनी बात करते। चिकनी बहुत सेल्फिश होते, बहुत क्राफ्टी होते, दिमाग चलता रहता है उनका। तो हमें ये माइनर माइनर डिफरेंस देखने होते हैं, समझना होता है जब पेशेंट बोलता है। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, हाउ विल यू सी इट फिजिकली? जैसे अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, और वो पेशेंट आके आपको बोलता है कि मेरे को किडनी प्रॉब्लम है, राइट? यूटीआई प्रॉब्लम। मैडम आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जी मैडम, मैंने अपना आप आपका म्यूट म्यूट किया नहीं? बता। आप, नहीं, मैंने अपना अच्छा, आपका म्यूट देन इट किया। इज ओके, ओके देन इट इज ओके। इनको किडनी प्रॉब्लम होती है, तो क्यों होती है? सप्रेस्ड इमोशंस, राइट? जैसे अभी मैंने मेनोपॉज वुमेन के बारे में बताया, क्योंकि दे आर, इतना अंदर चल रहा होता है डिस्ट्रेस, दे डोंट ओपन, तो किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूटीआई प्रॉब्लम होती है, दे होल्ड बैक, यूरिन होल्ड होता है ना इसमें, तो दे होल्ड बैक देयर इमोशंस। कफ एंड कोल्ड होता है, बिकॉज कफ एंड कोल्ड में कैसे होता है, दे इरिटेटेड ओवर समवन और दे आर कंडेमिंग समवन, तो कफ एंड कोल्ड होता है। और इसमें रियूमेटिज्म होता है, ज्वाइंट पेन होता है, अगेन बाय स्टिफ माइंड, स्टिफ ज्वाइंट पेन। सो ये हेदर वाली सिचुएशंस हैं। तो फिजिकली इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट, तो उसके मेंटल सिम्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये फिजिकल इश्यू है तो क्यों है। यूटीआई भी होता है ना, फॉल्ट फाइंडर्स, हेदर भी यही होता है, बड़ 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 बड़, दे आर फॉल्ट फाइंडर्स इन अदर्स बेसिकली। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।